दोस्तों को जोहार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल खड़िया कायम में स्वागत है। आज से हम लोग आगामी झारखंड की परीक्षाओं के लिए क्षेत्रीय भाषा खड़िया के बारे में सीखेंगे, जानेंगे। तो आज का हमारा पहला क्लास खड़िया गिनती पर आधारित होगा। खड़िया भाषा जानने के लिए खड़िया गिनती जानना बहुत ज़रूरी है। खड़िया गिनती से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, इसीलिए खड़िया गिनती जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोग 1 से 50 तक खड़िया गिनती के बारे में जानेंगे, सीखेंगे, कैसे उच्चारण किया जाता है, कैसे बोला जाता है, उसको हम लोग सीखेंगे। तो गिनती को खड़िया में कोनोल बोलते हैं। खड़िया में एक को मोइंग बोलते हैं, दो को ऊबर बोलते हैं, तीन को ऊफे बोलते हैं, चार को इफोन बोलते हैं, पांच को मोलोय बोलते हैं, छः को टिब्रू बोलते हैं, सात को थाम बोलते हैं, आठ को थोम बोलते हैं, नौ को थामसिंग बोलते हैं, 10 को खोल बोलते हैं। 1 से 10 तक की गिनती जानना बहुत ज़रूरी है। इसका उपयोग आने वाले संख्याओं में भी होता है, इसीलिए 1 से 10 तक का जानना बहुत ज़रूरी है। उसी प्रकार 11 को हम लोग घोल मोए बोलते हैं, 12 को घोल उबर बोलते हैं, 13 को घोल उफे बोलते हैं, 14 को घोल इफोन बोलते हैं, 15 को घोल मोलोय बोलते हैं, 16 को घोल टिब्रू बोलते हैं, 17 को घोल थाम बोलते हैं, 18 को घोल थोम बोलते हैं, 19 को घोल थोमसिंग बोलते हैं और 20 को एकड़ी बोलते हैं। 21 को एकड़ी मोइंग बोलते हैं, 22 को एकड़ी ऊबर बोलते हैं, 23 को एकड़ी ऊफे बोलते हैं, 24 को एकड़ी इफोन बोलते हैं, 25 को एकड़ी मोलोय बोलते हैं, 26 को एकड़ी टिब्रू बोलते हैं, 27 को एकड़ी थाम बोलते हैं, 28 को एकड़ी थोम बोलते हैं, 29 को एकड़ी थोमसिंग, 30 को एकड़ी घोल, 31 को एकड़ी खोल मोइन बोलते हैं, 32 को एकड़ी खोल उबार बोलते हैं, 33 को एकड़ी खोल उफे, 34 को एकड़ी खोल इफोन, 35 को एकड़ी खोल मोलोए, 36 को एकड़ी खोल टिब्रू, 37 को एकड़ी खोल थाम, 38 को एकड़ी खोल थोम, 39 को एकड़ी खोल थॉमसिंग, 40 को बर एकड़ी, 41 को बर एकड़ी मोइंग बोलते हैं, 42 को बर एकड़ी उबर बोलते हैं, 43 को बर एकड़ी उफे बोलते हैं, 44 को बर एकड़ी इफोन बोलते हैं, 45 को बर एकड़ी मोलोय बोलते हैं, 46 को बर एकड़ी टिब्रू बोलते हैं, 47 को बर एकड़ी थाम बोलते हैं, 48 को बर एकड़ी थोम, 49 को बर एकड़ी थोमसिंग बोलते हैं, 50 को बर एकड़ी घोल। आज के क्लास में 1 से 50 तक ही सीखते हैं। जानना 1 से 100 तक जरूरी है। गिनती की संख्याओं से स्ट्रेट फॉरवर्ड और डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है, इसीलिए 1 से 100 तक की गिनती जानना बेहद ज़रूरी है।